नमस्कार, गाजीपुर की टॉप 5 खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। खानपुर थाना क्षेत्र के ओडिहार वाराणसी रेल मार्ग पर रजवारी पुल के पास आउटर सिग्नल पर शुक्रवार शाम मालगाड़ी की जद में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार हथौड़ी गाँव निवासी शंकर सिंह का पुत्र राजकिशोर सिंह 32 पत्नी रूबी सिंह के कुछ कहा सुनी के बाद बाइक से घर से निकला था। शाम को करीब 4 बजे ओडिहार वाराणसी रेल मार्ग पर रजवारी पुल के पास आउटर सिग्नल ओडिहार से वाराणसी की तरफ जा रही मालगाड़ी की जद में आने से उसकी मौत हो गई। चालक ने इसकी सूचना रजवारी स्टेशन अधीक्षक को दी। अधीक्षक ने जीआरपी ओडिहार को घटना से अवगत कराया। मौके पर पहुंचे ओडिहार जीआरपी के प्रभारी चौकी प्रभारी सिघौना प्रमोद कुमार सिंह ने शव के साथ ही घटनास्थल से कुछ दूरी पर पड़ी बाइक को कब्जे में ले लिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष खानपुर जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि लिखा पढ़ी के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सादियाबाद क्षेत्र के कस्बा कोयरी गांव में शुक्रवार की शाम ट्रांसफार्मर पर तार ठीक करते समय करंट की जद में आने से प्राइवेट लाइनमैन की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के बरईपुर गांव निवासी सतीश गुप्ता का पुत्र अरुण गुप्ता प्राइवेट लाइनमैन था। शाम को करीब 3 बजे कस्बा कोयरी गांव में ट्रांसफार्मर चढ़कर तार जोड़ रहा था। इसी दौरान करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया। आनंद फानंद में लोग उसे प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। लोगों का कहना था कि अरुण सेट डाउन लेकर काम कर रहा था, इसी दौरान पता नहीं कैसे तार में करंट प्रवाहित हो गया। इस दुर्घटना से घर में कोहराम मच गया। मृतक अरुण गुप्ता अपने परिवार का अकेला कमाने वाला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। रेवतीपुर क्षेत्र में हसनपुरा अठहटा के बीच स्थित पुलिया का अप्रोच धंस गया था। शुक्रवार की आज सुबह गाँव के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की वजह से पुल का अप्रोच मार्ग टूट गया। इससे आवागमन में अवरोध उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस अप्रोच धंसने की जानकारी कई बार प्रशासन को दी गई थी, लेकिन किसी स्तर से ध्यान नहीं दिया गया। इसकी वजह से आज अप्रोच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हसनपुरा क्षेत्र के पूर्व प्रधान दीनबंधु ऋषिकेश राय, जवाहिर राम, विजेंद्र राम, बब्बन राम, संतोष राय, राजेंद्र गुप्ता, संतोष चौरसिया आदि लोगों ने कहा कि अप्रोच धंसने से तहसील पर जाने के लिए संपर्क मार्ग टूट गया। अब हम लोगों को तहसील मार्ग पर जाने के लिए 20 किलोमीटर अधिक की दूरी तय करनी पड़ेगी। बताया कि अप्रोच की स्थिति से कई बार भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सुजीत राय ने जनसुनवाई पोर्टल पर 2020 में शिकायत किया था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मंडल उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर यदि जल्द से जल्द अप्रोच को दुरुस्त कराकर आवागमन की व्यवस्था नहीं की गई तो ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए हम बाध्य होंगे। भावरकोल थाना पुलिस ने शुक्रवार की सुबह क्षेत्र के कुंडेसर चट्टी के पास से पॉक्सो एक्ट के वांछित को गिरफ्तार किया। संबंधित धाराओं में उसका चालान कर दिया। थानाध्यक्ष हरिनारायण शुक्ला ने बताया कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर हम राहियों के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान क्षेत्र के शेरपुर मोड़ कुंडेसर चट्टी के पास से सुबह करीब 6:30 बजे पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित शेरपुर कला गांव निवासी कमलेश चौधरी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष के साथ कांस्टेबल वैभव कुमार यादव, कांस्टेबल जितेंद्र शुक्ला और कांस्टेबल अवधेश कुमार शामिल थे। यातायात पुलिस परिवहन विभाग व वाराणसी से आई प्रदूषण नियंत्रण की टीम ने शुक्रवार को बुलेट चालकों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया। तीनों विभाग की टीम ने रौजा तिराहे पर चेकिंग करते हुए 11 बुलेट चालकों का चालान करते हुए 1,65,000 रुपये का जुर्माना लगाया। विभाग की इस कार्रवाई से बुलेट स्वामियों में खलबली मच हुई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड साइलेंसर को मॉडिफाई कराकर पटाखे की आवाज़ निकालने वाले बुलेट स्वामियों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। 2 दिन पूर्व ही ARTO राम सिंह ने एजेंसी संचालक व सर्विस सेंटरों के साथ बैठकर आवश्यक निर्देश दिए थे। इसी क्रम में शुक्रवार को प्रदूषण नियंत्रण वाराणसी के कृष्ण कुमार मौर्य व शिवम त्रिपाठी जनपद में पहुंचे। यहां यातायात प्रभारी अजय कसाना व PTO यात्री कर अधिकारी के साथ रोजा तिराहे पर चेकिंग शुरू किया। कुल 16 बुलेट चालकों को चेक किया गया, इसमें से 11 का चालान किया गया। PTO मनोज कुमार ने बताया कि प्रत्येक के खिलाफ 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, 10,000 रुपये प्रदूषण का व 5,000 साइलेंसर मॉडिफाई कराने का। बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने सभी बुलेट स्वामियों से आह्वान किया कि साइलेंस को मॉडिफाई न कराएं और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों को पूरा करें, अन्यथा संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।